नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वाई यूनिवर्सल फैक्ट में। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। रविवार को सेना द्वारा की गई फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है और कई घायल भी हुए हैं। म्यांमार की सेना के इस क्रूर कदम की हर तरफ आलोचनाएं हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटना को पूरी तरीके से गलत बताते हुए सेना से बल प्रयोग ना करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने एक बयान में कहा कि हम म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलाबारी की कड़ी निंदा करते हैं और सेना से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर बल प्रयोग ना करें, उन पर जो बल प्रयोग किया जा रहा है उसको बंद कर दें। इससे पहले रविवार को सेना ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्यवाही की है। इस बीच भारत ने भी म्यांमार की घटना पर दुख जाहिर किया है। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि सभी संयम बरतें और बातचीत करके ही इस मुद्दे का जो है सुलझाव वो निकाल लें। दूतावास की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की मौत काफी दुखद है। हम मृतकों के परिवार वालों और उनके परिजन के प्रति जो है संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम सभी से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने के मुद्दे को सुलझाने का आग्रह करते हैं। ऐसी ही खबर है कि सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी की है। सेना पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गिरफ्तार नेताओं को रिहा करके चुनी हुई सरकार को सत्ता में वापस ले आए। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को तख्ता पलट करते हुए आंग सान सूची सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तब से अब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है। अमेरिका सहित कई देश सूची की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सेना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी वजह से देश में सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था और इस दौरान पुलिस की तरफ से फायरिंग में 18 लोगों की मौतें हो गई हैं। तख्ता पलट के बाद से किसी एक दिन में मारे जाने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।